I will take mathematics of class 9. Student, I hope all of you have done exercise number 1.2, question number 1, 2 and 3, 4. मैंने आप लोगों को बेटा ये वाले जो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सेट के क्वेश्चन, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे और मैंने उसको सॉल्व भी करवा दिया था। अब मैं उसके आगे जो है आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगा। इसमें ये देखिए कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में गिवन दैट में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी से मैंने आप लोगों को सेट फाइंड आउट करना बताया था। और हमने जब सेट हमें खुद बनाने थे और उसके ज़रिए ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने थे। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप ये देख लीजिए, मेरे पास है 17, क्योंकि बेटा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही मैं आपको ज़्यादा करवाऊंगी ताकि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, ये वाला तो हो गया था, ये वाले मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे कि किस तरह से होगा। यहाँ तक मैंने वीडियो में दिए थे ए कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक बी, इसके बाद 15 में ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी, होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप होल कॉम्प्लीमेंट जो है इसका फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यू में से आप पूरे इसको जो आंसर आएगा उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अच्छा 17 में आप देखिए कि आपके पास जो है ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। शो दैट मीन्स होता है बेटा कि प्रूफ करें, यानी कि आप पहले इसके अंदर शो दैट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन होती है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास गिवन होती है। तो शो दैट के क्या मतलब है, यानी कि अगर आप ए सिमेट्रिक बी और ए डेल्टा बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है वो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए सिमेट्रिक बी पहले आप ये वाली साइड में, ये वाली साइड कोई सी भी नहीं, लेकिन इनका अगर आंसर सेम आता है इट मीन्स इट विल बी प्रूव्ड। तो सबसे पहले अगर हम 17 लेंगे तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ए सिमेट्रिक बी निकालेंगे जैसे आपने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, मेथड वही होगा इसको फाइंड आउट करने का कि ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर दो ब्रैकेट गिवन है हमारे पास, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि जब आपके पास ब्रैकेट गिवन होते हैं तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसमें इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आ जाएगा तो आप इसमें से ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जब तक मैं इसको लिख के नहीं बताऊँगी आपके समझ में ये वर्बली नहीं आएगा और आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट ये देखिए एक्सरसाइज नंबर मेरे पास आ गई 1.2। ठीक है, ये मैं उसी को मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका शो दैट के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके पेपर में बहुत आते हैं, प्रूफ करने के होते हैं, इस वजह से ये आते हैं। तो मैं इसमें पहले वैल्यू लिख लेती हूँ। इफ ए इक्वल टू वन 2 3 and 4, ये क्लोज हो गया। उसके बाद एंड बी इक्वल टू, बी भी आपको सेट इसके अंदर गिवन है 2 4 6 and 8। ठीक है बेटा, अब आपके पास देखिए आप इसके अंदर आपको फर्स्ट जो है आपको ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर यूनियन सेट गिवन नहीं है क्योंकि इसमें हमें यूनियन सेट की जो है वो यूनिवर्सल सेट की नीड नहीं है। यूनिवर्सल सेट की नीड कब होती है, जब हमारे पास कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट में होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रूफ, यानी कि हमें ये साबित करना है। ठीक है, हमें ये साबित करने हम जा रहे हैं कि हम क्या साबित करने जा रहे हैं। First, taking लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हैगा ए सिमेट्रिक बी और ए डेल्टा बी। ठीक है, इसमें अब आप इसमें ए के एलिमेंट लिखने पहले सबसे पहले ए के एलिमेंट मेरे पास है 1, 2, 3 एंड 4, ये आपने यहाँ क्लोज कर दिया, सिमेट्रिक का साइन डाला। बी के एलिमेंट भी मेरे पास नज़र आ रहा है मुझे 2, 4, 6, 8। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी कि ऑल नॉन कॉमन एलिमेंट, यानी कि जो दोनों में मौजूद ना हो। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह से आपने यहाँ पे 1 लिया तो 1 इस सेट में मौजूद नहीं है। ए डेल्टा बी मेरे पास आ जाएगा, और आप देखेंगे 1 इसमें नहीं है। ठीक है, 2 जो है दोनों में है, ये आप बी 3 पे आ जाए, 3 इसमें नहीं है, 3 आ जाएगा। 6 देखिए, 6 इस वाले में नहीं है, 6 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है दोनों में मौजूद है, ये आ गया मेरे पास 8। इसमें ये मेरे पास ए सिमेट्रिक बी आ गया। ये देखें, हम नॉन कॉमन एलिमेंट है, यानी कि ये अगर आप 1 देखेंगे तो 1 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 3 देखेंगे तो आप 3 यहाँ नहीं है। इसी तरह से अगर आप 6 देखेंगे तो 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 8 देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये ऑल एलिमेंट आर नॉन कॉमन, ये आपका सिमेट्रिक आ गया। नाउ वी विल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड हमने मालूम कर लिया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी। ठीक है, हम पूरा पहले ये लिख लेंगे कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है ना, पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। पहले ये भी ब्रैकेट फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपने फाइंड आउट किया। पहले आप ए के एलिमेंट लिखेंगे। जब भी बेटा आप लोग जिस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ए यूनियन बी, तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, हालांकि यूनियन में आंसर वही आएगा, लेकिन जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसी तरह से उसको सॉल्व किया करें। ये आ गया मेरे पास 1, 2, 3, 4, ये है ए के एलिमेंट। यहाँ पे हमने डाला यू का साइन। अब आप बी के एलिमेंट लिख लें, वो है मेरे पास 2, 4, 6 एंड 8। अब आप जब ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, जितने हैं सब आ जाएंगे सीक्वेंस से। मेरे पास स्पेस कम होती है तो मैं जो उसको रब कर देती हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी आपने फाइंड आउट किया, ए यूनियन बी आपके पास आ गया। इसको आप सीक्वेंस में लिख लें, ए के और बी के एलिमेंट। 1 भी है, 2 भी है, मेरे पास 3 भी है, 4 भी है, और 6 भी है, और 8 भी है। ठीक है, ये मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 ब्रैकेट भी मिलते हैं। ठीक है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड यानी कि अब हम क्या मालूम करेंगे, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे आप 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन डालें, बी के एलिमेंट लिखें 2 4 6 8। अब आप देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट जो हैं वो कॉमन, इंटरसेक्शन के बाद और कॉमन एलिमेंट यानी कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। अपन देखें 1 यहाँ पे लिखिए 2 है, ये ना 2, ये आपने लिख लिया 2, ठीक है। उसके बाद 3 पे आए, 3 नहीं है, 4 पे आए तो ये आ गया आपका 4, ठीक है। इसमें 6 और 8 नहीं है मेरे पास, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी विल फाइंड आउट होल ब्रैकेट। अब ये आपने पूरा फाइंड आउट कर लिया। अब जो मेरे पास इसकी असल जो हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी थी 2 ब्रैकेट की, वो हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा, एक ब्रैकेट में था मेरे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। स्टूडेंट अब आप पहले ए यूनियन बी जो हमने फाइंड आउट किया था ये वाले एलिमेंट लिख लेंगे, ये है 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है मगर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस का साइन है, ये हमने इसमें से डाल दिया माइनस, इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास ये आया था, ठीक है। ये मैं लिख दूंगी -2 एंड 4, ये आ गया आपका ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें से माइनस करने इसका मतलब है ये जो है इसमें से आपको ये एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये आप इसको अगर यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 4 है यहाँ भी है, यहाँ भी मौजूद है, 2 है यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आप इसका लिख लेंगे, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा पूरा। लिख लिए इक्वल के साइन का यही मतलब होता है कि ये मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ये मेरे पास 1 आ गया, 2 दोनों में था वो नहीं लेंगे, 3 आ गया मेरे पास, और मेरे पास आ गया 6 और ये आ गया मेरे पास 8। इसमें अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपके पास जो है जो हमने ए सिमेट्रिक बी निकाला था उसका भी आंसर यही था, और जो हमने क्या कहते हैं ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी जो निकाला है वो उसका भी आंसर यही है। अब आप पूरा क्वेश्चन लिख देंगे जिस तरह से जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो आप लिख देंगे, इसका मतलब इट विल बी प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। आंसर में हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये आपका इसका जो आंसर आया था, इसका जो आंसर आया था वो भी यही था 1 3 6 8, और जो हमने ये वाला फाइंड आउट किया वो भी हमारे पास 1 3 6 8। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। इसमें ये देखिए ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया, अच्छा सिमेट्रिक वाला, ये भी इसी तरह से होगा। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, पहले आप ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर आप बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे और यूनियन लिख लेंगे। इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है ना। यूनियन है तो इसमें सब आ जाएंगे, इसका भी आंसर इसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पूर्व। अच्छा इसका आप 19 देख लें, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं आपको अभी सॉल्व करके बता देती हूँ। स्टूडेंट मेरे पास एलिमेंट यही रहेंगे क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 17 के भी वही होंगे, एलिमेंट आपके पास यही गिवन होंगे, ठीक है। अब मैं 19 सॉल्व कर देती हूँ। मेरे पास है a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप देखें कि मेरे पास दो जो हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख के आप प्रूफ लिखें, फर्स्टली टेक, फर्स्ट टेकिंग भी लिख सकते हैं, वी विल टेक भी लिख सकते हैं। फर्स्टली टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम पहले ए माइनस बी ले रहे हैं, ए माइनस बी। अच्छा स्टूडेंट, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जिस तरह से आप यू माइनस ए यू माइनस बी करते हैं, इसी तरह से ए माइनस बी। अब इसमें आपको यू के एलिमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों हमारे पास गिवन है। इसमें से आप अब पहले सबसे पहले आप ए के एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 4, माइनस बी के एलिमेंट आप लिख लेंगे। बी के एलिमेंट मेरे पास है 2 4 6 8, ये आ गए आप। अब आप देखिए कि 2 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 भी आपका कम हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे आप इसमें से, ठीक है। अब आपके पास जो इसमें बच जाएंगे वो एलिमेंट ए माइनस बी के हो जाएंगे, यानी कि 2 ये वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। अब इस जो एलिमेंट 4 भी कैंसिल हो गया और 2 भी। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3, ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। Now we will taking the right hand side. अब राइट हैंड साइड पे आपके पास है a माइनस, ये आपके पास यहाँ पे देखें आप a माइनस a इंटरसेक्शन b। स्टूडेंट, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जब आप ये इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखने या फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के एलिमेंट लिखना है। ए के एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट मेरे पास है गिवन एलिमेंट 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास आप देख लें इंटरसेक्शन के मीन्स कॉमन एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 है, दोनों में मौजूद है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट 4 है, ये भी दोनों में प्रेजेंट है, 3 नहीं है यहाँ और 1 नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 4। ये मेरे पास आ गया इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये फाइंड आउट कर दिया इंटरसेक्शन बी, सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो आंसर आया है उसको आप ए के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे, तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा। मैं क्योंकि रब कर करके लिख रही हूँ, ये मेरे पास आ गया ए, हमने वो ए भी फाइंड आउट कर दिया इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप इसमें ए के एलिमेंट लिख लेंगे। ए के एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 4, इसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने इसे सॉल्व किया, वो मेरे पास आया था 2 और 4, 2 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2 और 4 जो है मेरे पास, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 4 भी है, यहाँ भी। अब जो इसमें बच जाएंगे वो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास आ गया 2 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मेरे सॉरी 2 एंड 4 तो हमने इसमें कॉमन नहीं लेना, हमें तो पूरा इसको माइनस करना है ना, तो हम ये निकाल देंगे इसमें से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 एंड 3। ठीक है ना, 2 और 4 तो हमारा उसका आंसर था 1 और 3। अब बेटा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a - b का भी यही आंसर आया था और a - a इंटरसेक्शन b का भी यही आंसर आया। इट मीन्स इट विल बी प्रूव। लास्ट में हम लिख देंगे वही जो आप जो क्वेश्चन लिखते हैं a - b = a - a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है इसको रूट। ये हो गया आपका पूरा फुल आंसर। स्टूडेंट आपने देखा कि कितनी आसानी से अगर आप लोगों को ये जो है आपके पेपर में वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं प्रूफ दैट के, तो इनको आपको सही से आपको इनके एलिमेंट देख के काम करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें एक भी नंबर आपने मिस्टेक किया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है इसमें, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का इसका बताऊंगी क्योंकि वीडियो का जो है टाइम इज़ ओवर नाउ। तो अब आप लोगों को अगर इसमें कोई भी बात नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग मुझसे वो व्हाट्सएप पे जब आपका ग्रुप ओपन होता है तो आप उसमें आप मुझसे सारे जो आपकी परेशानी है या कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।